हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विद न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। यूपीपीएससी से आरओ एआरओ की वैकेंसी आती है तो विद्यार्थी लगातार ये पूछ रहे हैं कि आरओ एआरओ की जो नई वैकेंसी है वो कब तक आएगी। तो आज हम इसी वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं और इसकी जो लेटेस्ट अपडेट है कि इसके कितने जो अध्याचन हैं वो लोक सेवा आयोग पहुँचे हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि जब एक ठीक ठाक नंबर में अध्याचन लोक सेवा आयोग में पहुंच जाते हैं तभी जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया जाता है। तो लगातार जो विद्यार्थियों का आ रहा था कि आर ओ आर ओ की वैकेंसी कब तक आ सकती है, क्योंकि अभी आपने देखा कि 2021 में वैकेंसी आई हुई थी और जिन भी विद्यार्थी का किसी भी कारणवश इसमें नहीं हुआ या फिर वो इसमें अप्लाई नहीं कर पाए तो या एलिजिबल नहीं थे तो वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं नई भर्ती का। और ये भर्ती आनी भी है और ये जानकारी पहले भी आपको दी गई थी कि जो आर ओ आर ओ 2022 का नया नोटिफिकेशन है वो बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। तो अभी जो है उतने अध्याचन नहीं पहुँचे हैं कि लोक सेवा आयोग जो नोटिस है नोटिफिकेशन है वो जारी करे। और आप सभी को पता है कि जब ठीक ठाक मात्रा में जो अध्याचन है वो पहुँच जाते हैं तभी जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया जाता है। तो अभी जो नोटिफिकेशन है सॉरी अभी जो अध्याचन है वो 30 से 40 जो अध्याचन हैं वो लोक सेवा आयोग पहुँचे हैं। और आप सभी जानते हैं कि इसमें जो केवल सचिवालय के आर ओ आर ओ हैं उन्हीं की वैकेंसी नहीं आती बल्कि लोक सेवा आयोग खुद के लिए भी, चुनाव आयोग है उनके लिए और भी जो विभाग है उनके लिए आर ओ आर ओ की जो नियुक्ति है वो होती है, वैकेंसी जो है उनके लिए भी आती है। तो सभी जगह से जब अध्याचन मंगाए जा रहे हैं उनको नोटिस भेजा जा रहा है और जब सभी जगह से जो अध्याचन आ जाएंगे और लगभग 100 के ऊपर जो अध्याचन है हो जाएंगे तो फिर जो आपका नोटिफिकेशन है वो निकाल दिया जाएगा। और अभी तक जो जानकारी मिल रही है कि जो सितंबर माह आने वाला है तब तक जो अच्छे खासे अध्याचन हैं वो आ जाएंगे सचिवालय से भी और हो सकता है कि 150 के समथिंग आपकी जो पदों की संख्या है वो हो जाए तब आपका जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया जाए। तो आपको यहाँ पर हम बता दें जो जानकारी मिली है कि सितंबर और अक्टूबर माह के समथिंग जो आर ओ आर ओ 2022 का नोटिफिकेशन है वो जारी किया जा सकता है। तो अभी काफ़ी टाइम है, तब तक आप लोग बिल्कुल एकदम इसकी तैयारी में लगे रहें। ऐसा नहीं है कि जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तभी आप तैयारी करेंगे, तो अभी से तैयारी में लगे रहें क्योंकि जब नोटिफिकेशन आता है तो ज़्यादा समय नहीं मिलता है, मात्र 2-3 महीने ही मिलते हैं फिर आपको तैयारी के लिए। तो अभी से तैयारी करते रहें और जब नोटिफिकेशन आ जाए तो फिर एकदम रिविज़न में लग जाएँ ताकि आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो इस बार हो ही जाए। तो जो अपडेट मिली थी वो आपको यहाँ पर दे दी गई है। तो नई वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाली है और आप लोग एकदम तैयारी में लगे रहें और इससे संबंधित आगे जो भी अपडेट आती है तो आपको जानकारी इसी चैनल के माध्यम से प्रदान कर दी जाएगी। थैंक यू।